आज हम 3.4 स्टार्ट कर रहे हैं. क्वेश्चन है फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ. आपको HCF एंड LCM दोनों एक साथ निकालना है, तो इसके लिए आपको अलग अलग से निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है. फर्स्ट है, फर्स्ट को देखो. क्वेश्चन वन है आपका 117221. पहले हम फाइंड करेंगे इसका HCF. क्या फाइंड कर रहे हैं हम पहले? HCF. तो HCF हम डिविजन मेथड से फाइंड करेंगे, तो इसके अंदर रहेगा बड़ा नंबर 221, बड़ा नंबर, बाहर रहेगा छोटे वाला नंबर. इसको हम डिवाइड करेंगे तो चलेगा वन जा ही तो चलेगा. माइनस कर रहे हैं, माइनस करेंगे तो यहाँ से बचेगा 4, यहाँ से बचेगा, ये हो गया था 11, ये हो गया था 1. 11 में से 7 को माइनस किया बचा 4, 1 में से 1 है ना, 1 में से 1 गया तो 0 बच गया, और यहाँ से 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 104 हमारा रिमाइंडर हो गया. अब क्या करेंगे, जब तक इसमें रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता जब तक आपको इसको करना होता है. ओके, तो अब हमारा ये यहाँ पे बचा है कुछ. अब ये जो ये डिवाइजर था इसको हम लेंगे यहाँ पे अंदर. ओके, और इसको फिर से डिवाइड करेंगे तो फिर से बन जा ही जाएगा. ये माइनस करेंगे, यहाँ से बचेगा 3, और यहाँ से बचेगा 1 में से 0 जाएगा तो 1. ओके, ये कुछ इस तरह से हो गया है ना. अब 13 के टेबल में 13 से करना है इसको डिवाइड. तो 13 के टेबल में ये आता है ना, 13 8 जा 104. अब ये पूरा कट गया है. तो हमारा HCF क्या होता है, जो लास्ट वाला डिवाइज़र होता है वो हमारा HCF होता है. तो HCF हमने क्या फाइंड किया यहाँ पर, 13. क्लियर, HCF हमारा फाइंड हो चुका है. अब हमें फाइंड करना है LCM. तो LCM का ये आपको ध्यान रखिएगा, जब हमें दोनों साथ साथ फाइंड करने होते हैं तो हम LCM कुछ इस तरीके से निकालेंगे. LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइड में जाएगा इसके देयर HCF. या हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें HCF पता है तो हम ईजिली उसका LCM भी फाइंड कर लेते हैं. हमें HCF पता है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, टू नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, वो दो नंबर कौन कौन से हैं जो हमारे क्वेश्चन में दिए गए थे. ओके, HCF कितना आया अभी हमने फाइंड किया, यहाँ पर 13 आया. क्लियर है इतना. अब इसको आप कर लीजिएगा, अगर ये यहाँ से कट जाता है तो आप इसको काट भी सकते हैं. 13 के टेबल से कट रहा है डायरेक्ट, तो 13 9 जा होता है 117. अब 9 बचा है यहाँ पर, और ये मल्टीप्लाई है, ये है 221. तो हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं इसको 9 से, और हमारा आंसर फाइंड हो जाएगा. तो 9 1 9 9 2 18 का 1, 9 2 18 और 1 19. तो हमारा आंसर ये हो गया है. तो हमारा LCM क्या फाइंड हो गया, LCM आ गया हमारा 1989. ओके, क्लियर हुआ. हमें बोला गया था कि HCF और LCM दोनों फाइंड करो, तो हमने पहले निकाला HCF. HCF जब हमने, ये आपने पहले भी कर रखा है, HCF फाइंड करना सीख गए आप. हमने जब HCF निकाल दिया तो अब LCM निकाला नहीं हमने दोबारा से, हमने एक फॉर्मूला लगाया कि जो दो नंबर क्वेश्चन में दिए गए हैं उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट, मीन्स उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो और अपॉन में रख दो उनका HCF. ठीक है, अब अपॉन में रख दिया तो नंबर से 117 मल्टीप्लाई 221, अपॉन में रख दिया उनके LCM, HCF जो था 13. 13 के टेबल में 117 आता है तो यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया. 39 जा होता है 117, तो 9 आ गया है, और 9 से इसको कर दिया है मल्टीप्लाई, तो आंसर आ गया है ये. ओके, क्लियर हुआ. अगर इसमें अब भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे क्लियर कर लीजिएगा. ओके.